Welcome to Shoppingiston. Complete COVID essential product, contact for oximeter, vaporizer, sanitizer, variety of mask call 8073726805. आदर नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को पता है, बीबी आयशा का जो मामला था, जो सूरत हाल इख्तियार कर गई मैसूर में, यानी कोविड को लेकर जिस तरह अमवात का सिलसिला चल पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक अजीब माहौल सा पैदा दिखाई दिया। और अजीब ब्रदरन ने उस वक्त आगे बढ़ते हुए एहतजाज भी किया। जब हमने अकबर पाशा से बात की तो उन्होंने मुतवलियों और उनके जो बीच में इख्तलाफ थे उसको दोहराया। मुतवलियों की बात कोर्ट तक जाने की बात थी, यानी कोर्ट का जो मुकदमा चल रहा था, फला फला केस नंबर भी बताया था। उसके बाद वो मामला वहीं पे रुक गया है। अभी हमें समीउल्लाह वो बीबी आयशा के मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए बताइए साहब, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 12 तारीख कुछ है जी, हमारा ये बीबी आयशा के ताल्लुक से यहाँ के DC आर्डर गुनी इमीडिएट हॉस्पिटल ओपन कर को, जो प्रेग्नेंट बैठा थी कोविड से, उनको यहाँ ट्रीटमेंट देना करके ऑर्डर सौंप हुई। हमारे जो कॉरपोरेशन के HO ही नागराज, डॉक्टर नागराज, उनको इंचार्ज देखो ही। आज भी मैं दोपहर को कमिश्नर मैडम से भी नागराज से बात किया। उन्होंने सभा परसों में मुझे आइतवार पीर के अंदर आको बात करको हॉस्पिटल ओपन करको हमें ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। मेरे को ना भरोसा देखो ही, मैं कंटिन्यू टच में था वो सा हमना XYZ। आज भी हमारा स्टेटमेंट क्या, हमना कौन चलाती हमना न को, हमारे जो बीमार हैं उनको ट्रीटमेंट दें। अभी आप देखिए एक सिलेंडर को कैसा 20-22 साल के छोकर था, उनके दादी सीरियस हो गई क्या की घर को, हमारे ऑफिस के सामने एक सिलेंडर को धंडला रही सभी भैया। सिलेंडर शांति नगर से हमारे दोस्त फोन कर रहे थे सिलेंडर होना, हमारे हाथ में बजे गई, हमारे हाथ से हुआ तो कोशिश हमें पूरी कर रही। सिलेंडर की ऑक्सीजन की सहूलत नहीं, नज़दीक हॉस्पिटल रही तो एटलीस्ट हमें जाकर वहाँ एक ट्रीटमेंट दिला, पेशेंट को एक हिम्मत आती है जी जी। आज पूरे बोल रही पेशेंट को कोविड का ट्रीटमेंट ही उसकी हिम्मत, उन्हें हिम्मत से रहा तो उन्हें रेडी होता सो उसका कॉन्फिडेंस ही उसका ट्रीटमेंट। हमें घर में रख लगे तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है, एक से एक फैलने की बीमारी है। एक बीमार को घर में रख लेते हैं और एक वहाँ से 4 बीमार आते, ये बीमारी क्या भी उम्र देख को नहीं आ रही है जी। तुम्हें देख रही हर उम्र का आदमी भी ये बीमारी से मुबतला है, हम ना हॉस्पिटल होना जी। अभी मेरे भाई जी साहब बोले बीबी आयशा से डॉक्टर नागराज साहब बात करें, आने वाले दिनों में 2 या 3 दिन में यहाँ पे बीबी आयशा मिलने वाली है और प्रेगनेंट औरतों के बारे में है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम थी मुतवली हजरात हैं जो भी जिम्मेदार नहीं, उन्होंने उस फैसले को नामंजूरी करार देते हुए एक लेटर दिया है कि भाई यहाँ पे खोलेंगे तो कोविड सेंटर खोलेंगे, ये सिर्फ मेटर्निटी का नहीं, कोविड सेंटर जी, कोविड प्रेग्नेंट नहीं, आम तमाम के लिए बोल के इनकी भी बीमार आना जी। दो जान जी, जब प्रेग्नेंट हो जाती है भाई का दो जान रहती है, दो जिंदगियाँ रहती है सो, हम ना इनको उनको घर को नहीं, किसी की वहाँ ट्रीटमेंट बंद पड़े सो हॉस्पिटल को खोल को तुम्हें ट्रीटमेंट तो शुरू करो पहले, इसके बाद हमें क्या करना करेंगे। ये 150 की 200 बेटा ही होना, 50 बेटा हम प्रेगनेंट भाई का उनको देंगे, वो भी हमारा माँ बाना हमारे रिलेटेड आदमी, जान बचाना है किसकी की एक जान बच गए वो हॉस्पिटल फ्री होती ना। जो प्रेगनेंट भाई का उनको देख रही वो हॉस्पिटल फ्री हो को वहाँ किसकी की 100-150 आदमी की सबकी जान इचना, खाली हमारे आदमी की जान न हो क्या। यहाँ हम ना सहूलत हुई तो वहाँ का सिस्टम यहाँ को आया तो वहाँ 100-150 आदमी को ये होते ना चाहिए नहीं क्या, जो फोन भी बेड खाली रख ले को रखता नहीं भैया तो देता जी। इसमें जिदा जिदी कर ले को गलत मैसेज है, कोर्ट में है मामला करके बोल को, कोर्ट में नहीं है मामला ये, तुम ना मैं लेटर देता हूँ 12 तारीख को गवर्नमेंट इनको ये देखो है ताकिद करो है, तुम्हें हॉस्पिटल ओपन करोगे ये मुझे वो क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा है उसे, हमें उनके बारे में इंटरेस्टेड भी नहीं ना, हमारा क्या आपसी मामला भी नहीं है। और तुम्हें कोविड का वबा बंद होते एक मन तुम्हें लाख कर दिया, जो तुमने अन्याय का मुँह करा तो तुम्हें आँख कुछ होगी तुम्हारे बाबा दादा की हो, तुम्हें क्या है हमें उसमें इंटरेस्टेड, अनख्या के सामने देख रही आदमी मर रही
इसके जिम्मेदार तुम्हें दो। दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा की दादा की कौन वक्तरी, उनकी रूह तड़प रही है आज ये तुम्हारे काम आ सके, कौन जिम्मेदारी उन्हों हमारा तुम्हारे चीजा में क्या भी इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हें क्या तो भी कर ले, आज जरूरत है। कई को गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ा रही है, क्या दीवानी हो गया गवर्नमेंट 24 तारीख से 7 तारीख को करे उसे इंटेलिजेंट रिपोर्टर कुछ ना कर रही सो नहीं, अब हमें और ओपन करे तो और कहीं की जान को धोखा है अगर कहीं को 7 तारीख को करिए, 7 कुछ होता अगर वो क्या भरोसा नहीं और बढ़ा भी सकती है ये वबा ना ये चल रही है। मैं पूछ रही सो हम ना हॉस्पिटल होना तुम्हें वो कैसे तरीके से करती करो, कौन करती उनको हमें वेलकम, इसके कौन अपोजिट होती उन्हें कहता तो भी बड़ा आदमी रंजे, हमें हक पूछ नहीं सके अभी हमारा पर्सनल लेवल इसके ये खोलने में रुकावट उन्हें खामा पहलवान रंजे, हमें उसके अपोजिट रोड में जाने वाला दास रंजे हॉस्पिटल खुला को ट्रीटमेंट करते हो तो हमें उसे हमारे तरफ से हमारे मोहल्ले की तरफ से उसे क्या शुक्रिया अदा करना हमें।